नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कर्क राशि वालों। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने दे दिए संकेत, अब आपके जीवन काल में अगले 24 घंटों के अंदर जो होगा आपको रोने पर मजबूर कर देगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल में भगवान श्री कृष्ण जी का असीम आशीर्वाद रहने वाले हैं, जिनसे दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा। आपको यश में कई क्षेत्रों में लाभ के साथ बड़ी बड़ी कामयाबी भी हाथ लगने वाली है। कई क्षेत्रों में आपको बड़ा लाभ होगा और आपको सभी परेशानियों से यश में मुक्ति मिलने वाली है। ये दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का लीला अपरम पार है। ये दोस्तों, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने एक ही उंगली से गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ पर उठाए थे और वहाँ पीड़ित सभी प्रजाओं की कष्टों को हारे थे, इसी प्रकार दोस्तों अब आपके भी जीवन काल से सभी कष्टों का निवारण इसी प्रकार करेंगे और आपका आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और खुशनुमा रहने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आप ही कहेंगे कि गुरु जी आपके मुँह में अमृत बस जाए। जी दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को जानेंगे कि अगले 24 घंटों के अंदर जो ग्रहों की स्थिति बनने वाली है, इनके साथ आपको कौन सी बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है, किन क्षेत्रों में लाभ होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और साथ ही किन क्षेत्रों में आपको सावधान रहने की भी जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री हरि कृष्ण जी लिखेगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, भगवान श्री कृष्ण जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर लाइक कर लें। तो आए दोस्तों, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, यश में आप आराम करने तथा हल्के फुल्के मूड में रहेंगे। ग्रह गोचर आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः आपके पक्ष में होंगी और दोस्तों आपके आय मार्ग में प्रास्तेस में होंगे। दोस्तों, नजदीकी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ खुशनुमा समय व्यतीत भी होगा और महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी इसमें विचार विमर्श होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में जो है संयुक्त परिवार में अलगाव जैसी बातों पर विचार विमर्श होगा, कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। दोस्तों, ये जो आपके लिए समय होंगे, धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी रह सकती है। और इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि युवाओं द्वारा जरूरत से अधिक पैसा खर्च भी हो सकता है। पैसे को संभालना और योग्य तरीके से खर्च करना, इनमें आपको इसमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को आर्थिक विषय में अधिक प्रगति की अपेक्षा है, दोस्तों उनको योग दिशा में अपनी मेहनत लाने की आवश्यकता इसमें होने वाली है। और इसके उपरांत दोस्तों, हर एक बात पर अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता होगी, तभी जाकर आप अपने काम को गति में ला पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि यश में अधिकतम समय सामाजिक तथा बाहरी गतिविधियों में व्यतीत होगा। अचानक से कोई महत्वपूर्ण काम बनने से मन में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा के लिए प्रयासरत विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम है। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें कभी कभी आप जो है आपके गुस्से और फिर गलत शब्दों के प्रयोग का नकारात्मक असर आपके जो है बच्चों पर भी पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों अपनी बोलबाज में उचित शब्दों का चयन करें। घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें, ये आपके लिए इसमें बेहतर होने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके जिद्दी स्वभाव के कारण आप मनचाही बात को मना पाएंगे, लेकिन दोस्तों इसकी वजह से किसी को आप जो है गहरी चोट भी पहुंचा सकते हैं। अपने शब्दों का इस्तेमाल करते समय ध्यान देना होगा। दोस्तों, आपको मिले हुए ज्ञान और अपनी क्षमता की वजह से आपका अहंकार भी इसमें बढ़ रहा है, तो दोस्तों इन पर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि यह समय मिला जुला प्रभाव देने वाला समय होगा। दोस्तों, यश में दोपहर के बाद पूर्णतः स्थिति जो है अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को भी आशा के अनुरूप परिणाम मिलने से आप जो है तनाव मुक्त यश में महसूस करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको अपने शुभचिंतकों से उचित मदद भी मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां भी रहने वाली है, परंतु दोस्तों जल्दबाजी व फिर भावुकता में कोई भी निर्णय न लें, इनकी वजह से
बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ सकता है। वाहन या फिर महंगा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने से खर्चे भी आ सकते हैं। और दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे, आपकी दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में कोई उच्च शिक्षण या फिर विदेश में नौकरी करने की अपेक्षा रखता है तो दोस्तों उसके लिए कोई जो है सहायता की जरूरत हो सकती है। दोस्तों यश में दूसरों की आर्थिक सहायता करने से पहले अपनी परिस्थिति को भी जान लेना आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों परिवार के लोगों के साथ मानसिक स्वरूप से जुड़े रहने की आप कोशिश करते रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों कुछ समय से जिस सुकून की तलाश आप कर रहे थे दोस्तों वह यश में हासिल हो जाएगा और आप आत्मचिंतन द्वारा अपने जीवन शैली में सुधार लाने की चेष्टा भी करेंगे। दोस्तों घर के निर्माण संबंधी कोई रुका हुआ कार्य भी पूरा हो सकता है तो दोस्तों उन्हें आप दोबारा शुरू करने का जो समय होगा उचित समय होगा। और इसके उपरांत यश में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल्दबाजी में लिए हुए कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। आपके कुछ सपने अधूरे रहने की वजह से मन में थोड़ी सी उदासी भी रहेगी। दोस्तों ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आप उस हद से ज़्यादा भरोसा करते हैं वही व्यक्ति के साथ विश्वासघात भी हो सकता है। और इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि जिस बात की प्रगति की आपको अपेक्षा भी यश में नहीं थी ऐसी बात में प्रगति आपको नजर आएंगी। परिवार में खुशहाली भरा वातावरण बना रहेगा, भाई बहन में संबंध सुधरने लगेंगे, प्रॉपर्टी से जुड़े सभी विवादों में भी जो भी समस्या थे उनका निपटारा होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में कार्य क्षेत्र में आप किसी नए कार्य की रूपरेखा तैयार करने में भी सक्षम रहेंगे तथा मनोबल परिणाम भी यश में आपको हासिल कर पाएंगे। दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे सिर्फ अपने कार्यों से संबंधित गोपनीयता का पूर्ण ध्यान रखें। दोस्तों यश में आप आर्थिक मामलों में कुछ तंगी भरा जीवन भी रह सकता है, यानी दोस्तों पूर्ण रूप से आप यश में संतुष्ट उतना नहीं हो पाएंगे जितना आप आर्थिक समस्याओं को हल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यश में ध्यान को केंद्रित रखना चाहिए, भविष्य को लेकर आप नई योजनाओं को बनाएं और भविष्य में आप अच्छी सफलताओं को प्राप्त करने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि व्यवसाय गतिविधियों में कुछ मंदी रहने वाली है परंतु सहकर्मियों का उचित सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा। यह समय कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन लाने की भी जरूरत होगी। दोस्तों सरकारी सेवारत व्यक्ति किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें, कोई इंक्वायरी आदि भी हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय के नजरिए से समय धनदायक भी रहने वाला है। अपने काम पर जो है आप पूरी तरह से ध्यान को केंद्रित रखें, आपको महत्वपूर्ण अनुबंध यश में प्राप्त होने वाले हैं। नजदीकी मित्रों के सहयोग से आप जो अपने अधिकतर काम को पूरे करने में भी सक्षम रहेंगे। दोस्तों पहली इनकम मिलने से युवा वर्ग का और अधिक आत्मविश्वास और समय बढ़ने वाले हैं और अपने ध्यान को भी आप काम के प्रति केंद्रित यश में कर पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके व्यवसाय आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय में यश में मुनाफादायक स्थितियां बनी हुई है, इसलिए दोस्तों इधर उधर की बातों में ना उलझकर अपने कार्यों पर आप पूरा ध्यान को रखें। दोस्तों सहयोगियों और कर्मचारियों की सलाह बेहतरीन साबित होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों को यश में अचानक कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में व्यक्तिगत समस्याओं का असर पारिवारिक जीवन पर भी पड़ेगा। धैर्य और संयम बनाकर रखें, प्रेम संबंध मर्यादित रखना आपके लिए इसमें जरूरी होगा। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि पारिवारिक जीवन खुशनुमा रहेगा परंतु व्यस्तता की वजह से आप अपने परिवार को अधिक समय भी यश में नहीं दे पाएंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि दिन भर की व्यस्तता के बाद पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करना सारी थकान को भुला देगा परंतु पति पत्नी में कोई नोक झोंक भी संभव है। तो दोस्तों इनसे अगर आप बचना चाहते हैं तो यश में अपने वाणी पर संयम रखें। और इसके उपरांत यश में अगर आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भी अभाव रहेगा जिसका असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है। व्यर्थ की मौज मस्ती से यश में दूर रहें, ये आपके लव लाइफ के लिए और आपके पारिवारिक जीवन के लिए अति उत्तम होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों स्त्रियों को जोड़ों में दर्द या फिर स्त्री जनित रोगों की वजह से परेशानी रह सकती है। काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी आपको इसमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत इसमें सर्वाइकल व फिर कंधों का दर्द आपको परेशान कर सकता है, व्यायाम और योगा इसका उचित इलाज होगा। तो दोस्तों इन्हें पर आप जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए जरूर होंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य अंत में ठीक होगा, सिर्फ गलत खान पान की वजह से गैस व फिर एसिडिटी जैसी कुछ समस्या भी रह सकती है।